जीते रहो बेटा, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करना और खड़गपुर जाती चिट्ठी लिखना। देखो आईटी में प्रोफेसर घोष को मैंने चिट्ठी लिख दी, हॉस्टल में इंतजाम हो जाएगा, जब तक ना हो तो प्रोफेसर घोष क्या ही रहना। अच्छी पिताजी चलो आओ। उदास क्यों हो गई? लड़का इंजीनियरिंग करने जा रहा है, तुम ही तो चाहती थी ना कि कुछ बन जाए। कलकत्ते में रहकर भी तो हो सकता था, फिर 2-3 साल बाहर रहेगा। 6 साल की उम्र से ही बाहर भेज रहा था पढ़ाई करने के लिए। 2-3 साल की तो बात है, फिर आ जाएगा है? उसकी शादी कर देंगे, सब इकट्ठे रहेंगे। अब तो हमारा पब्लिशिंग का धंधा भी कुछ जम गया है, अजीत तो उसी में उलझा रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ ये सब छोड़ दूँ, काफी तो कर लिया। तुम छोड़ोगे काम? लो फिर कोई आ गया। कहाँ है काम? इतने दिन हो गए कोई काम भी तो नहीं आया। नमस्कार। नमस्कार। मैं यहाँ नजदीक ही रहता हूँ, हिंदुस्तान पार्क के कोने में। आपको तो कई बार देखा भी है और बातचीत करने की इच्छा भी हुई लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आज एक मौका आया है तो सोचा इसी बहाने आपसे मुलाकात कर लूँ। मेरे जीवन में एक छोटी सी समस्या है। समस्या? बहुत अच्छी बात है, आइए। शुक्रिया। बताइए क्या समस्या है? बड़ी देर हो गई इस चीज के दर्शन नहीं हुए। जी मेरा नाम कमलकांत दास है, नजदीकी केंद्रीय भारतीय बैंक है, मैं वहां का कैशियर हूँ। अच्छा। करीब 2 साल पहले पुरुलिया से बदली होकर मैं यहाँ आया, लेकिन कलकत्ता आकर मुसीबत में फंस गया, रहने को मकान नहीं मिला। आखिरकार एक आदमी ने मुझे अपने मकान के नीचे वाले हिस्से में रहने को दिया, मैं वहां अकेला रहने लगा। पत्नी और बेटी पुरुलिया में ही रही। मकान मालिक का नाम अक्षय मंडल है, वो ऊपर अकेला रहता था। वो क्या काम करता था किसी को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन काफी मिलनसार आदमी था। काफी लोग उनसे मिलने भी आते थे, मुझसे भी मिलते थे, लेकिन सिर्फ नीचे, मुझे कभी ऊपर नहीं बुलाया है। हमारे बैंक में उनका एक खाता था जिसके जरिए उनसे पहचान हुई। करीब 3 महीने रहने के बाद एक रात मैं अपने दोस्त के यहां से खाना खाकर लौट रहा था तो मैंने देखा अक्षय मंडल ऊपर से नीचे आकर सीढ़ियों का जो दरवाजा है उस पर ताला लगा रहा था। अरे अक्षय बाबू इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? कमल बाबू किसी जरूरी काम से मुझे आज रात ही बाहर जाना पड़ रहा है, कब आऊंगा कुछ पता नहीं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? बहुत दूर। अच्छा चलता हूँ। कमल बाबू आप एक सज्जन आदमी हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, आपको एक बात बता देता हूँ, 7 दिन के अंदर अगर मैं वापस ना आया तो आप ये पूरा मकान इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो आप 50 रुपए देते हैं तो पूरे मकान का 150 रुपया दे पाएंगे? बहुत खुशी से। तो ठीक है, आपके बैंक में मेरा खाता भी है तो आप उस खाते में हर महीना 150 रुपया जमा करवाते रहिए, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा चलता हूँ।
हालांकि अक्षय मंडल मुझे चाबी नहीं दे गया था, फिर भी मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा अक्षय मंडल बहुत जल्द वापस नहीं आने वाला। दूसरे ही दिन मैंने पत्नी को चिट्ठी लिख दी, जल्दी से कलकत्ता आने के लिए तैयार हो जाओ, मकान जल्दी मिल जाएगा। लेकिन तीसरे दिन सारा घर बदबू से भर गया, सड़े हुए मुर्दे की बदबू, जैसे गर्मियों में मांस मछली सड़ जाती है ना, वैसी वैसी बदबू। मुझे शक हुआ, मैंने पुलिस को खबर कर दी। आइए चलो ताला तोड़ो, तुम जाकर स्ट्रेचर लेकर आओ बाहर से, जाओ। ये देखिए, लगता है दो तीन दिन से लाश यहां पड़ी है। ऐसा ही लगता है, तीन दिन पहले अक्षय मंडल दो सूटकेस लेकर चला गया। लगता है उसी रात इस आदमी का खून करके सूटकेस में पैसे वैसे भरकर चला गया। मोहनदास, तुम पंचनामा करके और दूसरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, हम जरा तलाशी लेते हैं। ये सब क्या है? मुझे नहीं मालूम। अक्षय मंडल के पास पहले ऐसा पैकेट कभी देखा? नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते भाई। जिस आदमी का खून हुआ है उसका हुलिया पता चल गया है, उंगलियों के छाप और शरीर पर आए दूसरे निशानों से पता चलता है कि वो हरिहर सिंह है, दागी आसामी, चरस गांजा सोने चांदी की चोर बाजारी में पड़ा हुआ था। अक्षय मंडल से उसकी जान पहचान कैसे हुई ये तो मालूम नहीं। अक्षय मंडल के लिए वारंट जारी कर दिया गया है लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। मुझे अक्षय मंडल पूरे मकान को इस्तेमाल करने के लिए कह गया था, क्या मैं वो कर सकता हूँ बिना रोक टोक के? आसामी लापता होने से पहले जब मकान आपकी निगरानी में रखकर गया है तो आप उसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल हम भी यही चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि अक्षय मंडल जब कभी भी आएगा तो वो अपने मकान या आपके बैंक जरूर जाएगा। उस वक्त आपका फर्ज बनता है कि आप हमें इत्तला दें, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, बल्कि ये तो मेरा फर्ज बनता है। मैं फिर अपनी पत्नी और बच्ची को ले आया, सारे मकान में अच्छी तरह रहने लगा, मकान का किराया हर महीने अक्षय मंडल के खाते में जमा करने लगा। इस तरह एक साल तक मजे में रहा, लेकिन दो महीने पहले एक झमेला खड़ा हो गया। आप ही का नाम कमल किशन दास जी है? जी, कहिए। ये महिला जो मेरे साथ है अक्षय मंडल की पत्नी है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। ये अब तक मेरे साथ रहती हुई आई है, मैं इसका सारा खर्चा उठा रहा हूँ, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। ये अपने पति के घर रहना चाहती है और ये मकान आप खाली कर दें। लेकिन अक्षय मंडल शादीशुदा है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। खैर, जो सच है वो सच है, आप चाहें तो दो चार दिन की मोहलत ले सकते हैं। देखिए अक्षय बाबू, ये सारा मकान मेरे जिम्मे छोड़ गए हैं, जिसका मैं भाड़ा भी देता हूँ, लेकिन मैं मकान कैसे छोड़ सकता हूँ? आप रहते हैं तो भाड़ा देते हैं, आप नहीं रहेंगे तो हम भाड़ा नहीं मांगेंगे। और फिर अकेली थोड़ी रहेगी, इनके साथ इनकी माँ रहेगी, जो छोटे भाई है वो। देखिए आप सच कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप यहाँ मकान में रहना चाहते हैं तो आप अदालत जाकर अपने हक का सबूत ले आइए। बस तो आप ऐसे नहीं मानेंगे? तो फिर मकान खाली करवाने के और भी तरीके हैं। खैर आपकी जो मर्जी कर लीजिए, मैं ये मकान खाली नहीं करने वाला। चलो राधा, लगता है ये घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। चलो अक्षय मंडल की पत्नी है या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन अगर वो आदमी या औरत फिर आ जाए तो उसे फुसलाकर यहाँ ले आइएगा। मुझे तो लगा जरूर कोई बदमाश है जो मकान पर कब्जा करना चाहता है। आजकल मकान मिलना कितना मुश्किल है, मुफ्त में मकान मिले तो कौन छोड़ता है साहब। हाँ, हो सकता है। ठीक है, हम मकान पर निगरानी रखेंगे। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन धमकी देकर गया है, आज दिन में आया है, कहीं रात को 8-10 आदमी लेकर आ जाए तो? तो आप क्या चाहते हैं, 2400 घंटा पहरा बिठवा दें? अरे फिर तो वो आएगा ही नहीं, और फिर ये मुमकिन भी नहीं। नहीं, मैं सोच रहा था पिस्तौल रखने की अगर लाइसेंस मिल जाए तो। हाँ ये हो सकता है, आप ऐसा कीजिए आज ही एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई कुत्ता पाल रखा है? नहीं। तो फिर एक कुत्ता पाल लीजिए, एल्सेशन या पहाड़ी हो,
जो रात में पहरा देगा। आप ऐसा कीजिए, यहाँ के कैनल क्लब में चले जाइए, वो मदद करेंगे। ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा पहाड़ी कुत्ता मिल गया है, रात में मैं उसे घर में छोड़ देता हूँ, रात भर वो मकान का पहरा देता है, उसके रहते किसी की हिम्मत नहीं होती घर में घुसने की। लेकिन फिर भी मन में एक डर सा बैठ गया था, अक्षय मंडल आदमी अच्छा नहीं है, जरूर कोई चाल चले की कोशिश में लगा होगा। फिर 15 दिन बाद एक बेनामी चिट्ठी मिली, सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, मोहल्ला छोड़कर चले जाओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं वो चिट्ठी लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। इंस्पेक्टर ने कहा, जहां हो वहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके मकान पर और पहरा बिठा देंगे। फिर करीब 1.5 महीने तक कोई नहीं आया और कोई बेनामी चिट्ठी भी नहीं आई और मैं काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि नई समस्या पैदा हो गई है, इसके बारे में पुलिस को पता है? नहीं, मैं पुलिस को बता सकता था लेकिन मैं वहां नहीं गया। मुझे मालूम है वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे उनकी राय पसंद नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ये नई समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैं अपने बैंक से 1 महीने की छुट्टी का हकदार हूँ। मेरी पत्नी भी काफी दिनों से इच्छा प्रकट कर रही है कि हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं, काशी मथुरा हरिद्वार वगैरह। मेरे बैंक में एक साथी है, वो भी काफी दिनों से पीछे पड़ा है कि हम लोग कुंडू स्पेशल से कहीं यात्रा कराएं। वो कह रहे हैं कि अगर दोनों परिवार एक साथ जाएं तो काफी सहूलियत रहेगी। मेरी पत्नी तो दिन गिन रही है कि कब यात्रा पर चले जाएं। अब अगर हम लोग यात्रा पर चले जाएं तो घर को ताला लगाना पड़ेगा। चलो कुत्ते को 1 महीने के लिए किसी केनल हाउस में भर्ती किया जा सकता है, लेकिन मकान खाली रहेगा। अब अगर मान लीजिए हमारी गैरहाजिरी में अक्षय मंडल की औरत, मतलब वो औरत जो यहाँ आई थी, वो अगर ताला तोड़कर घर पर कब्जा कर ले तो मैं क्या कर सकता हूँ? अक्षय मंडल की अनुमति के अलावा, जुबानी अनुमति के अलावा, मेरे पास तो और कोई अख्तियार नहीं है। मैं अगर दखल करके घर में रहूं तो मुझे हटाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, मतलब घर अगर खाली हो तो कोई भी आकर दखल कर ले तो मैं क्या कर सकता हूँ? बस मेरी यही एक समस्या है। अब आप ही बताइए, मुझे घर छोड़कर जाना चाहिए या नहीं? आपको अगर तीर्थ यात्रा पर जाने से रोका जाए तो शायद वो पाप होगा। उधर अगर आप घर से बेदखल हो गए तो वो भी गलत होगा। आपकी जान पहचान में कोई ऐसा मजबूत आदमी नहीं है जिसे आप घर पर बिठा कर तीर्थ यात्रा पर जा सके? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, सब अपने अपने मकान में बैठे हैं और जिनके पास नहीं है उन्हें घर में बिठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लूं। अच्छा, आप दो काम कीजिए, एक तो आप अपना मकान दिखाइए मुझे, और दूसरा ये जो तीर्थ यात्रा पर आपके साथ साथी जा रहे हैं उनसे मिलवाइए। अरे आप हमारे घर चलेंगे? ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। आप चलिए, मकान यहाँ नजदीक है और आज ही देवाजी से भी मिलवा दूंगा। अच्छा थोड़ा रुकिए, मुझे लगता है बाहर ज्यादा धूप है, मैं जरा छाता ले लूं। कुटीराम, जरा छाता लाना तो मेरा। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले आपके ये तीर्थ यात्रा वाले साथी से मिलते हैं। क्या नाम बताया आपने? देवाशीष मजुमदार। देवाशीष मजुमदार, ये क्या काम करता है? ये मेरे ही बैंक में क्लर्क है। कहाँ रहता है? यही पास में, बस्ती में। अच्छा अच्छा, यहीं पर, तो पहले उससे मिल ले। जी। लेकिन मैं उससे अकेले में मिलूंगा। आप जरा मुझे मकान बता देना बस। ठीक है, आज मिलेगा ना घर पे? हाँ हाँ, आज तो छुट्टी का दिन है, जरूर मिलेगा। अच्छा अच्छा चलिए। अरे पूटी राम, छाता कहाँ गया? देखिए, वो रहा देवाशीष का मकान, वो उस गली के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, आप जाकर मिल लीजिए, मैं यही इंतजार करता हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आया।
देवशीष मजुमदार आप ही हैं? जी हाँ। केंद्रीय भारत बैंक में काम करते हैं ना? जी। अच्छा, आप ही कमलकांत बाबू के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? जी हाँ, लेकिन आप? मैं तो उनका पड़ोसी हूँ, बस पास ही कैताला रोड पर रहता हूँ। आपसे इस तीर्थ यात्रा के सिलसिले में एक आध बात करनी थी। हाँ हाँ, आप अंदर आइए, अंदर आइए। नहीं, बस मुझे जाना है। बस यही पूछना था कि आप दोनों एक महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर बाहर जा रहे हैं ना? जी, ये मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, गया। बात यह है कि मैंने उन्हें कुछ रुपए देने हैं। आप लोग तो एक महीने की यात्रा पर जा रहे हैं, पैसे तो खर्च होगा ही। मैं पूरे पैसे नहीं दे पा रहा। पूरे क्या, शायद कुछ भी न दे पाऊं। कमलकांत बाबू की पत्नी की कई दिनों से इच्छा रही है इस यात्रा पर जाने के लिए। मैं सोचा था कि अगर आप एक महीने के बजाय 10 या 12 दिन के लिए जाए तो। अरे मैं तो सिर्फ गया और काशी घूमने की बात कर रहा था, लेकिन कमलकांत बाबू चाहते पूरे एक महीने की तीर्थ यात्रा। तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मैं उन्हें किसी तरह समझा दूंगा 12 दिन के लिए जाने के लिए, बस आप राजी हो जाएं। अरे मैं तो 4 दिन के लिए भी राजी हो जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, वैसे तो मैं मथुरा वृंदावन पहले से ही घूम चुका हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे पैसे दे सकूं। फिर उसके बाद आप चाहे तो पूरे एक महीने के लिए चले जाना। अरे आप आइए ना, अंदर आइए, चाय पीते जाइए। नहीं, बस इसकी कोई जरूरत नहीं, बस चलता हूँ। एक और सवाल पूछना था, आप बैंक में क्लर्क है ना? और कमलकांत बाबू कैशियर है, उनकी तनख्वाह तो आपसे दुगनी होगी, फिर भी उन्हें रुपए पैसों की हमेशा जरूरत पड़ती है। आपने कैसे सारा इंतजाम कर लिया? वो सब ऊपर वाले की देन है भैया। अच्छा, सब हो जाता है। अच्छा, अच्छा चलता हूँ, बड़े समझदार है आप। नमस्कार। कौन? अरे मैं हूँ, खोल। जा बेटा, अपनी माँ से बिस्किट और चाय के लिए। अरे नहीं, रहने दो, ये क्या कर रहे हो आप? पहली बार आए हैं, कुछ तो खातिरदारी करने दीजिए। अच्छा, यहाँ एक और कमरा है? जी हाँ, लेकिन अक्षय बाबू उसे इस्तेमाल नहीं करते थे, आजकल मैंने उसे रसोई घर बना दिया है, आप देखेंगे। नहीं, वो आपकी पत्नी होंगी, खाना वाना बना रही होंगी। चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ चलिए। विलायती कूर संस्कार का एक नमूना है। अगर दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल लगी हो तो धन प्राप्ति होती है। जी नहीं, ये तो अक्षय मंडल के जमाने से। अच्छा, यहाँ अक्षय मंडल का कोई सामान नहीं है? हाँ पहले था, मैंने बाजू वाले कमरे में रखवा दिया है, एक खाट, टेबल और एक बेंच। पुलिस की खाना तलाशी में वो जो सिगरेट के केस जैसी जो डिबिया थी, हाँ, वो क्या पुलिस साथ ले गई? हाँ, एक डब्बा पुलिस ले गई, बाकी उस टेबल के दराज में है। चलो देखो तो। ये देखिए, हाँ।
यह तो बड़ी मजेदार चीज है। इसके अंदर अगर दो बिस्कुट डाल दिए जाएं तो इसको जेब में डालकर बड़ी आसानी से दफ्तर ले जाया जा सकता है। रखिए, चलिए छत पर चलते हैं। लेकिन छत पर तो कुछ नहीं है। यहाँ तक आए हैं तो देख लेते। कभी कभी शून्यता से भी बड़े मतलब की चीज निकल आती है। ज्यादा गर्मी में हम यही फैलाते हैं। वैसे काफी सुरक्षित जगह है, लोहे के फलाते हैं, मजबूत है, चोर तो घुस ही नहीं सकता। चलिए, जो देख रहा था वो तो मैंने देख। अच्छा, पुलिस स्टेशन में जहाँ आपका आना जाना है उस स्टेशन का इंस्पेक्टर कौन? इंस्पेक्टर सरकार। अच्छा। क्यों, आप पहचानते हो उन्हें? बहुत अच्छी तरह, पिछले मेरे दो केस भी उन्हीं के पास ही थे। लेकिन पंकज बाबू, हमारी तीर्थ यात्रा का क्या होगा? आपने कुछ बताया नहीं कि हमें जाना चाहिए या नहीं। जरूर जाइए, कब से छुट्टी ले रहे हैं? अगले सोमवार से, शनिवार की गाड़ी से जाना चाहते हैं। तो बस फिर देरी की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना टिकट कटवा दीजिए। देखिए, डरने की कोई बात नहीं, आपके मकान पर कोई कब्जा नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। सच सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ब्योमकेश बाबू, मैं जानता था आप मेरी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं आपको घर छोड़ रहा था। नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो बस अब सीधा पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना कि जाने से पहले आप अपने घर की चाबी इंस्पेक्टर सरकार को दीजिए। अच्छा। अरे आइए आइए ब्योमकेश बाबू, आइए। आज रास्ता कैसे भूल गए? जी रास्ता नहीं भूला, बल्कि सीधे रास्ते यही आ रहा हूँ। अक्षय मंडल का वो मामला है ना, अक्षय मंडल, कमलकांत बाबू। हाँ हाँ, अच्छा तो आप वहाँ भी हैं? मैं तो कहीं जाता नहीं, लोग खींच ले जाते हैं। अच्छा, आपने वो कमलकांत बाबू के मकान पर अब तक पहरा रखवाया हुआ है ना? हाँ, वो कमलकांत बहुत ही घबराया हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है ब्योमकेश बाबू कि अक्षय मंडल अपने घर जरूर आएगा। आपका यकीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप एक काम कीजिए कि अगले शनिवार को दोपहर के बाद वहाँ से पहरा हटा दीजिए। क्या? लेकिन फिर हम अक्षय मंडल को पकड़ेंगे कैसे? अरे अगर पहरा रहेगा वहाँ पर तो अक्षय मंडल वहाँ कभी नहीं आएगा। बात असल में ये है, कमलकांत बाबू अपने परिवार को लेकर अगले शनिवार तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हैं? वो अपने मकान पर ताला लगवा कर चाबी छोड़ जाएंगे। बस अगले शनिवार रात होते ही पुलिस को लेकर मैं अक्षय मंडल के मकान में जाऊंगा। आप इतना इंतजाम कर दीजिए कि पुलिस के पास पिस्तौल और टॉर्च जरूर होनी चाहिए, और रात के खाने के लिए कुछ पैक करवा लेंगे, शायद रात भर पहरा देना पड़े। क्या सारी रात? भाई एक नहीं, दो या तीन रातें भी लग सकती है। लेकिन क्यों? अक्षय मंडल को पकड़ना है ना। हाँ जरूर। तो बस बाकी बाद में बताऊंगा, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कीजिए, अगले शनिवार तैयार रहिए। हैं? अब तो ये नहीं कहेंगे ना कि रास्ता भूल कर आया हूँ। क्या बात करते हैं आप। अच्छा चलो, इस बात पर एक चाय पिला दीजिए आप। हाँ, नहीं, ना। अरे पंचू, ये ताला चाबी लो, बाहर से ताला लगा दो और कल सुबह 6 बजे आना। हाँ, खिड़की बंद कर दो।
ऐसा कीजिए, मैं छत पर जाता हूँ, आप नीचे पहली मंजिल पर जाइए और ये दरवाजा बंद करके खड़ी लगा दीजिए, नहीं तो ऐसा भी कुछ शक हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप ऊपर चलिए, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। और सुनिए, ये चीज चाहिए, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा अच्छा। अक्षय मंडल, क्या हाल है? व्यंकटेश बाबू, इसकी जेब से पिस्तौल निकाल लीजिए। उठ उठ अक्षय मंडल,
हरिहर सिंह के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। पकड़ लीजिए इसे। हाँ देखा, जो सोचा था वही निकला, ये सोने के वेलायती चमकदार बिस्कुट। अब बताओ, सच सच बताना, रात भर कहाँ थे? क्या कह रही है? इंस्पेक्टर सरकार गवाह है, मैंने क्या कोई गलत काम किया है? चोर का साथी गिर कर, और टॉर्च कैसे टूटी? मारा मारी की थी? अरे मारा मारी नहीं की थी, मारा था। बैठो, सुनाता हूँ तुम्हें, बैठो। यक्षा मंडल ने सोने की काला बाजारी में बहुत रुपए कमाया था और अपनी जरूरत के मुताबिक अच्छे से मोहल्ले में मकान भी ले लिया। अपने मकान की छत पर उसने लोहे की लंबी लंबी सलाखें लगा दी थी ताकि अगर चोर चाहे तो भी ना घुस पाए। ये धंधा मालूम क्या करता था? हमारे हिंदुस्तान के बाहर से जो तस्करी सोना आता है ना, उसे इकट्ठा करता था और धीरे धीरे बाजार में बेचता। और ये सोना छुपा कर उसने अपने घर में रखा, लेकिन किसी तिजोरी अलमारी में नहीं। सोना छुपा कर रखने का उसका एक अनोखा तरीका था। गहने बनाकर रखता था? अरे नहीं नहीं, अक्षय मंडल अकेला रहता था। उसकी औरत है या नहीं ये भी आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा। पड़ोस में तो कोई आता जाता नहीं था। कोई उस पर शक न करे इसलिए उसने नीचे का जो कमरा है वो कमलकांत दास नाम एक सज्जन को किराए पर दे दिया। अब सोना बाजार में छोड़ने के लिए उसने कई आदमी रखे थे, उसमें से एक था हरिहर सिंह। मुझे ऐसा लगता है कि हरिहर सिंह ने जरूर धंधे में कोई हेरा फेरा की। दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर अक्षय मंडल ने उसका खून कर दिया। अब खून तो कर दिया लेकिन इतनी बड़ी लाश को कहां छुपाता? उसने सोचा चलो लाश को यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन फिर सोने का क्या करता? वो अकेला आदमी था ना, उसने ठंडे दिमाग से सोचा लाश को यही पड़ी रहने देता हूँ और सोना लेकर गायब हो जाता हूँ। लेकिन ये कैसे करता? किसी की मदद तो ले नहीं सकता था, अकेला आदमी था ना। सोना भारी होता है, लोहे से भी ज्यादा भारी। तुम औरतें जो सोने के गहनों से लदी हुई घूमती फिरती हो, लेकिन सोने का कितना वजन होता है, कभी इस बात का एहसास हुआ है? ठीक है ठीक है, फिर क्या हुआ बताओ। फिर रक्षा मंडल के फरार होने के दो चार दिन बाद लाश का पता चला, पुलिस आई। यह तो साफ जाहिर थी कि खून अक्षय मंडल ने किया था, लेकिन मुझे यकीन था कि कलकत्ते में कहीं छुपा हुआ होगा। चार महीने चुप रहा, तुम्हें सोना रखा था उसे तो हासिल करता ना, और अब तो कमल बाबू के यहाँ उसका पूरा परिवार रहेगा, साथ में खूंखार कुत्ता भी पाल रखा। बड़ी सोच समझ कर अक्षय मंडल ने कई चाले चले। पहले तो एक औरत को पत्नी बनाकर मकान पर भेजा, कमल बाबू ने उसे निकाल दिया, फिर बिना भी चिट्ठी भेजी, लेकिन उस धमकी का भी कोई असर नहीं। फिर उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे उसका काम तो बन गया, लेकिन कमल बाबू को कुछ बात जमी नहीं। उन्होंने सोचा अगर वो तीर्थ यात्रा पर गए तो कोई भी उनके मकान पर कब्जा जमा सकता है, ये समस्या लेकर वो मेरे पास आए। मैंने उनकी कहानी सुनी, शक हुआ कि ये जो साथी उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है कहीं ये अक्षय मंडल का आदमी तो नहीं। फिर ये भी शक हुआ कि खून करके भागा हुआ आदमी वापस मकान में आने की कोशिश क्यों कर रहा है, मकान पर भी शक हुआ। एक और कप चाय दोगी? अरे सुबह से दो चाय पी ली। अच्छा देती हूँ, लेकिन पहले कहानी पूरी करो। अरे बताता हूँ। फिर मैं बैंक के एक क्लर्क से मिलने गया, देवशीष मजुमदार। उसकी बातों से ये जान पड़ा कि अगर कमलकांत बाबू तीन चार दिन के लिए घर खाली छोड़कर बाहर चले जाए तो अक्षय मंडल सोना निकाल सकता है। उसने ये भी बताया कि हरिद्वार और मथुरा तो वो घूम आया, फिर वो तीर्थ यात्रा पर क्यों जा रहा है? जरूर उसके सफर का खर्च कोई दे रहा है। कौन हो सकता है? अक्षय मंडल। फिर उस दिन मैं निकल पड़ा मकान देखने के लिए, बहुत धूप थी इसलिए साथ में छतरी ले गया।
दो मंजिले की सीढ़ी के ऊपर जो दरवाजा है वहां पर देखा तो एक घोड़े की नाल लटकी हुई। वैसे तो बाबूली घोड़े की नाल लग रही थी, छतरी की डंडी बढ़ाई तो वो खींच कर उससे जा चुकी। समझ में आया कि मामूली घोड़े की नाल नहीं है, शक्तिशाली चुंबक है। अब ये चुंबक यहाँ पर क्यों लटका हुआ है? पूछने पर पता लगा कि अक्षय मंडल ने लगाया हुआ है। अब ये वहां पर लगाने से क्या फायदा हो सकता है? दिमाग में बड़ी उथल पुथल हुई, कुछ समझ में नहीं आया। फिर याद आया कि पुलिस की तलाशी के बीचों बीच टेबल के दराज में कुछ लोहे की डिबिया मिली थी, सिगरेट के बक्से के साइज की। अब चुंबक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, लेकिन सोना नहीं खींच सकता। अक्षय मंडल ने सोने के बिस्कुट उन लोहे की डिबियों में डालकर उन लोहे की डिबियों को ऊपर छत में पानी की टंकी में डुबो कर रखा था। जब जब उसे सोने की जरूरत पड़ती तो वो चुंबक की पंसी टंकी में डालकर सोना निकाल लेता। सोना तो मिल गया, लेकिन आसामी को भी पकड़ना था ना। मैंने तो कमल बाबू से कह दिया कि आप बेफिक्री से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, मकान खाली छोड़ जाइए। मुझे मालूम था कि अक्षय मंडल जरूर मकान पर निगरानी रख रहा होगा। उसने सोचा होगा यही मौका है, मकान खाली है। हमने भी सोचा दो तीन रात पहरा देंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि पहली रात को अक्षय मंडल अटक के। बस रात के करीब 2 बजे अक्षय मंडल हमारी जाल में आ फंसा। टॉर्च के एक ही वार से चारों खाने चित। कितना सोना मिला? 57 लोहे की डिबिया। हाँ? एक डिबिया में 2-2 सोने के बिस्कुट। हाँ? और हर एक बिस्कुट का वजन 50 ग्राम। अब अंदाजा लगाओ तो कितनी कीमत होगी, है?